सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ, आदमी जिंदगी भर दुखों से, समस्याओं से संघर्ष करता रहता है, और दुख हैं, समस्याएं हैं, वे जाने का नाम नहीं लेती, उनसे मुक्ति नहीं मिलती, और पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। हम यही सोचते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन वो सब मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी पूरी की पूरी धोखा दे देती है, वो सब कभी नहीं मिल पाता है जो हम पाना चाहते हैं। आखिर कोई रास्ता है, कोई उपाय है कि जिंदगी को आज ही सुख में, आनंद में बनाया जा सके? कोई उपाय है? समस्याएं तो हैं और रहेंगी, क्योंकि जब तक कामनाएं हैं तब तक समस्याएं रहेंगी, और जीवन है तो कामनाओं का अंत हो नहीं सकता। तो इन सारी परिस्थितियों के होते हुए क्या कोई उपाय है कि आज ही जीवन आनंदित हो जाए, जहां हैं जैसे हैं वैसे ही जीवन आनंदित हो जाए, इसका कोई उपाय है? कोई बताए भाई, किसी के हृदय में, किसी के बुद्धि में कोई उपाय आता है कि ऐसा हो सकता है कि हम सारी समस्याओं के रहते हुए ही आज ही सुखी हो जाएं, आज ही आनंदित हो जाएं? प्रणाम गुरुदेव। अगर कोई भी व्यक्ति वर्तमान में रहे, आगे की ना सोचे ना पीछे की, क्योंकि जो बीत चुका है वो तो ऑलरेडी बीत ही चुका है, उसके बारे में क्या सोचना, और जो आने वाला है वो हमारे सोचने से ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएगा, तो जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें ही आदमी को जीना चाहिए, उसी की खुशियों को इंजॉय करना चाहिए, उसी वर्तमान समय को, वर्तमान क्षण। ओके, बहुत बढ़िया, आपने बड़ी अर्थपूर्ण बात कही कि जो हो चुका है वो हो ही चुका है, जो बीत गया है उसकी चिंता छोड़ें, भविष्य की चिंता छोड़ें, और वर्तमान में आनंद से जिए। लेकिन ये बात सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में जिए और भूत की चिंता छोड़ें, भविष्य की चिंता छोड़ें। मेरा मानना है कि लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं और कोशिश भी करते हैं, यस और नो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। समस्या यही है कि फिर भी हो नहीं पाता है, वर्तमान में रहना संभव नहीं हो पाता। वर्तमान में रहने लगे आप तो सारी समस्याएं तो खत्म हो ही गई, वर्तमान में रहने लगे आप तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए आप, वर्तमान में रहने लगे आप तो परमात्मा के निकट हो गए आप, तब परमात्मा में ही स्थित हो गए। यही तो आदमी की सबसे बड़ी विडंबना है, वो जानता है कि वर्तमान में जीना ही परमात्मा को उपलब्ध हो जाना है, परम आनंद को उपलब्ध हो जाना है, लेकिन वर्तमान में जी पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल, और बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और वर्तमान में जीने का उपाय क्या है, ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा उपाय है जिससे आप वर्तमान में जीने की कला को उपलब्ध हो जाए? यदि हम रोज अभ्यास करें तो गुरुजी ये संभव है, केवल ध्यान के द्वारा ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी आपके यहाँ आते हैं, मेरा नाम के अरोरा है, तो मेरे को जो सबसे सरल उपाय लगा, साक्षी बन के जीना। वर्तमान में जीना आपने बोला बड़ा असंभव है, साक्षी भाव में जीना, बहुत अच्छी बात। वास्तव में मैडम जी ने कहा रोज रोज ध्यान का अभ्यास करना, और के अरोरा ने कहा साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करना। वास्तव में दोनों बातें लगभग एक सी ही हैं। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है थोड़ी देर के लिए अपनी चेतना को, अपने होश को
अपने शरीर के किसी महत्वपूर्ण चक्र पर केंद्रित कर देना, यानी सारी चेतना को थोड़ी देर के लिए एक जगह केंद्रित करना, न इधर जाना न उधर जाना। जैसे ध्यान का अर्थ है, जब आप श्वास को देख रहे हैं तो श्वास को ही देखिए। मान लीजिए आप आधे घंटे के लिए ध्यान के नाम पर बैठ गए हैं और अपनी आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देख रहे हैं। जब आप श्वास को देख रहे हैं उस समय आप साक्षी भाव में आ गए हैं, यानी श्वास भीतर आ रही है आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, श्वास बाहर जा रही है आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, भीतर आती श्वास बाहर जाती श्वास दोनों के आप साक्षी हो गए हैं। और जब आप साक्षी हो जाते हैं, कोई निर्णय नहीं करते हैं, सिर्फ देख रहे हैं, साक्षी भाव में होने का पहला लक्षण है कि आप निर्णय नहीं करते, आप मूल्यांकन नहीं करते, आप जजमेंट नहीं करते, आप सिर्फ देखने वाले हो जाते हैं। और जब आप श्वास को देख रहे हैं तो क्या संभव है कि आप भूतकाल में चले जाएं? तब आप भूतकाल में जा ही नहीं सकते क्योंकि आप श्वास को देख रहे हैं। क्या तब संभव है कि आप भविष्य काल में चले जाएं? असंभव है, क्योंकि जब आप श्वास को देख रहे हैं तो भविष्य में भी नहीं जा सकते हैं। अगर श्वास को देखते रहना जारी है तो वर्तमान में होना आपकी मजबूरी हो जाएगी, लेकिन श्वास को देखते रहना भी इतना सरल नहीं है। कोई 2 सेकंड 5 सेकंड होते ही आपकी चेतना कहीं और भागने लगती है, भूत में या भविष्य में। इसलिए साक्षी भाव से श्वास को देखने के लिए हर रोज आधे घंटे का समय निकालने से धीरे धीरे अभ्यास होगा। क्या होगा? धीरे धीरे अभ्यास होगा कि हमारी चेतना श्वास पर केंद्रित रहने लगेगी, ना हम भूत में होंगे ना भविष्य होंगे, सिर्फ वर्तमान में होंगे। जब अभ्यास होने लगता है धीरे धीरे, जब श्वास को देखते 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 ही चले जाते हैं आप हर रोज, सुबह भी आधा घंटा निकाल लें, शाम को भी आधा घंटा निकाल लें, और कुछ दिन लगातार 3 महीने 90 डेज तक आप लगातार 3 महीने ये काम करते रहें तो ये अभ्यास सिद्ध होने लगता है, ये अभ्यास सिद्ध होने लगता है। और जब अभ्यास सिद्ध होने लगता है तब आपको वर्तमान में होने में सफलता मिलने लगती है। और जब आप वर्तमान में होने में सफल होने लगते हैं तब 2 घटनाएं घटती हैं। पहली बात, आप सिर्फ श्वास के ही साक्षी नहीं होते, आप जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है उसके प्रति भी साक्षी होने लगते हैं। जो घटनाएं घट रही, कोई आपका मन कर देता है, आप साक्षी हो जाते हैं और उस अपमान का उत्तर नहीं देते, आप और जोरदार तरीके से अपमान करने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि श्वास को देखते देखते साक्षी भाव की अवस्था अपने आप आने लगती है आपको। तो ये कसौटी है, अगर अवसर उपलब्ध कराया जाए, लेकिन आप क्रोध ना करें तो जान लेना कि आपका साक्षी भाव सिद्ध हो रहा है। अगर क्रोधित होने के पूरे मौके आपको उपलब्ध कर दिए जाए, इसके बावजूद भी आप क्रोधित ना हो, साक्षी भाव में बने रहें, तो समझ लेना कि आपका साक्षी भाव सिद्ध हो रहा है। और मेरा मानना है कि ध्यान तो आधे घंटे के लिए आप करेंगे, 1 घंटे के लिए करेंगे,
लेकिन 24 घंटे की जिंदगी में जो कुछ भी आपके सामने आए, आप समझना कठिन से कठिन परिस्थिति भी आए तो आप यही समझें कि परमात्मा ने साक्षी भाव को साधने का एक अवसर दिया है। दुख आए तो सुख आए तो दोनों में ही साक्षी बने रहें। सुख आए तो फूल के कुप्पा ना हो जाएं, सुख के साथ एक ना हो जाएं, आइडेंटिफाइड ना हो जाएं, और दुख आए तो दुख के साथ आइडेंटिफाइड ना हो जाएं, एक ना हो जाएं। यानी सुख आए तो इतना फूल के कुप्पा ना हो जाएं कि छत तोड़ दें, और दुख आए तो इतना दुखी ना हो जाएं कि टूट जाएं, वहीं गिर पड़े। सुख आए तो, दुख आए तो आने दें, देखने वाले हो जाएं दोनों के। और जब आप दोनों को देखने वाले हो जाते हैं तब आपके भीतर सर्व स्वीकार की घटना घटती है। और सर्व स्वीकार का अर्थ है कि सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में जिसके होठों पर बांसुरी बजती रहती है वही साक्षी है।